बड़ी खबर आ रही है सुपरस्टार सलमान खान को लेकर कि पहुंच गई है पुलिस उनके घर पर। हाल ही में पुलिस मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच आई और कारण ये था कि सलमान खान के बंगले की देखभाल करने वाले एक शख्स के ऊपर कई आरोप थे। जी हां, एक सनसनीखेज मामले को लेकर सलमान खान के बंगले की देखभाल करने वाले एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया जिसकी वजह से तुरंत के तुरंत उस मामले पर उस शख्स को, जी हां उस वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी हां, 29 साल के उस आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल से काफी ज्यादा सलमान खान के करीबी रहा है वो शख्स। सलमान खान के बंगले का पिछले 20 साल से वो देखरेख कर रहा है और वो देखभाल करने वाला शख्स मुंबई पुलिस से पीछे भागता था। दरअसल पुलिस काफी ज्यादा तलाश में थी उस शख्स की जिस पर तमाम आरोप हैं और वो मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इस खबर की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है आखिर कौन सा मामला है जिसकी वजह से सलमान खान के घर पहुंच आई पुलिस। वहीं खान परिवार को भी बड़ा झटका तो लगा है और सलमान खान के घर अचानक पहुंच जाना मुंबई पुलिस का सबसे बड़ी बुरी खबर है। सलमान खान अब इस पर क्या करते हैं, कैसे इस मामले से अपने देखरेख करने वाले शख्स को बाहर निकालेंगे, क्या है पूरा मामला, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें, सलमान खान मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर उनका परिवार आता जाता रहता है। तो वहीं उनके माँ बाप की अगर बात की जाए तो सलीम खान जो है अपनी पहली पत्नी सलमा के साथ रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सलमान खान के दोनों भाई अलग अलग जगह रहते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।